गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास सेवन्थ के जो लेसन चल रहा था हमारा फर्स्ट नंबर का हिस्ट्री से रिलेटेड, उसी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं आगे का। तो चैप्टर फर्स्ट था हमारा ह्यूमन लाइफ इन स्टोन एज, पाषाण युग में मानव जीवन, इस लेसन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखिए, अब पहला जो पूरा पाषाण काल था ओल्ड स्टोन एज था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। नया जो काल आ गया नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज का मतलब हो गया नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल के भीतर क्या हुआ, आप लोगों को पहले बताया गया था पाषाण युग को तीन अवस्थाओं में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। के जो पूरा पाषाण काल था वह समय था कि जब मनुष्य को ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, बस अपना जीवन यापन करने के लिए वो प्रकृति के द्वारा मिले हुए कंदमूल फल खा करके, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो आश्रय स्थल थे उनका उपयोग करके, और साथ में जो भी पहाड़ों के पत्थरों को जो कि धारदार हुआ करते थे, पहने हुआ करते थे, नुकीले हुआ करते थे, उनको ही हथियार के रूप में काम लेकर के अपने जीवन को जैसे तैसे करके बिताया करता था। और ज्यादा उसके अंदर सभ्यता को विकसित करने की कोई नॉलेज नहीं थी, ज्यादा विज्ञान से उसका कोई रिलेशन नहीं था। अब जब मध्य पाषाण काल आया तो मध्य पाषाण काल के भीतर जो उसके औजार थे, हथियार थे, वो थोड़े परिष्कृत होने लगे। चकमक पत्थर का प्रयोग करके उसने आग जलाना सीखा, फिर धीरे धीरे उसने कृषि की ओर बढ़ना स्टार्ट करा। फिर जब नव पाषाण काल आया तो नव पाषाण काल के भीतर उसने सभ्यता का विकास करना सीखा, मकानों को बनाना सीखा, आश्रय स्थल अपने लिए तैयार करे, और साथ में जब आग का आविष्कार हो गया तो उसके बाद में जिस भोजन को वो कच्चा खाया करता था, मांस वगैरह खाया करता था। तो जब नव पाषाण काल आया तो नव पाषाण काल के अंदर उसने पशुपालन का कार्य सीखा, खेती करने का कार्य सीखा, और साथ में ही पशुपालन करके जो पशुओं के द्वारा प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण चीजें थी, दूध दही जैसी चीजें, उनका भी उसने उपयोग करना शुरू करा। साथ में ही जो मांस वगैरह हुआ करता था जानवरों का, उनका उनका सेवन व पका करके करा जाने लगे। तो बहुत से परिवर्तन जो थे नव पाषाण काल के भीतर आए थे, इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। देखें, मैन इवॉल्व टू बिकम ए फूड प्रोसेसर। अब सबसे पहली बात तो ये नियोलिथिक एज जो थी, ठीक कब से कब तक का समय था, ये था कार्बन पद्धति। ये आपको पहले भी बताया जा चुका, वैज्ञानिक दृष्टि से जब प्राचीन समय को कभी नापा जाता, पुराने समय को नापा जाता है, तो कार्बन पद्धति यानी कि कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसे नापा जाता है। तो इसके अनुसार 10,000 BC to 4,000 BC तक का ये समय काल रहा, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक का ये समय रहा। मैन इवॉल्व टू बिकम ए फूड प्रोसेसर, और ये जो नव पाषाण काल था इसके भीतर मनुष्य एक फूड प्रोसेसर बन गया। फूड प्रोसेसर का मतलब क्या हो गया कि फूड प्रोड्यूसर बन गया, वह भोजन उत्पादक बन गया, यानी कि नव पाषाण काल में। अभी आपको बताया कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य था, आदिम काल का जो मनुष्य था उसको ज्यादा जानकारी नहीं थी कृषि से रिलेटेड, लेकिन जैसे ही नव पाषाण काल आया तो उसमें खेती करना उसने सीखा। जब पृथ्वी के थोड़ा गर्म टेम्परेचर होने लगा तो जो खेती से रिलेटेड जैसे कि गेहूं है, जो है, चना है, ऐसे जब पेड़ पौधे विकसित होने लगे तो इनको उसने अपने मुख्य खाद्यान्न के रूप में काम में लेना शुरू करा। तो उसे वह मांस की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट लगा तो उसने अनाज का सेवन शुरू करा, फिर धीरे धीरे पशुपालन का कार्य शुरू करा, फिर कृषि का कार्य करना शुरू कर दिया और फसल उगाना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार से जो ये प्रोसीजर था वो आगे बढ़ता गया। अब हम आगे देखते हैं, ड्यूरिंग दिस एज ग्रेटर यूज ऑफ फायर ब्रॉट द नेक्स्ट ग्रेट लीप टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। अब देखिए, इस काल के दौरान काफी बड़ा अंतर रहा, समय काल का काफी डिफरेंस रहा, तो इसके भीतर जो काफी बड़ा समय का अंतर आया तो इसमें सभ्यता के दौरान जो आग विकसित हुई, तो उस आग के विकसित होने से जिस मांस का सेवन अभी तक मनुष्य कच्चा कर रहा था, तो आग का आविष्कार होने के बाद में उसी मांस को वह पका करके खाने लग गया। जिस अनाज का सेवन वह अभी कच्चे तरीके से कर रहा था, यानी कि अनाज का सेवन सिर्फ जानवरों को खिलाने में कर रहा था या सिर्फ उसका पाउडर बना करके खा रहा था, अब उसका सेवन वो पका करके करने लग गया नए नए व्यंजनों के रूप में। आगे कहता है, मैन लर्न्ड मोर अबाउट हिज एनवायरनमेंट। साथ में जिस पर्यावरण के बारे में, जैसे कि आग जली, वायु है, हवा चलना या फिर आंधी तूफान आना, तो एनवायरनमेंट में होने वाले जो परिवर्तन थे उससे भी रिलेटेड बहुत सा ज्ञान मनुष्य ने इस काल के दौरान इकट्ठा किया।
ही ऑब्जर्व हाउ सीड्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद सोइल एंड वाटर। मनुष्य ने अपने स्वाभाविक ज्ञान से धीरे धीरे इस चीज का पता लगाया, क्योंकि बीजों का पता तो उसने जो मध्य पाषाण काल था उसमें लगा लिया था। तो किस प्रकार से अब जैसे ही नवपाषाण काल आया तो बीज किस प्रकार से अंकुरित होते हैं, किस प्रकार से हवा और वायु के संपर्क में आते हैं, मिट्टी के संपर्क में आते हैं, जल के संपर्क में आते हैं, किस प्रकार से अंकुरित होते हैं, किस प्रकार से बड़े होते हैं, इस चीज का पूरा ज्ञान जो था वो मनुष्य को इस नवपाषाण काल के भीतर लगा। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। और हम ये भी कह सकते हैं कि यही शायद एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग की पहला चरण था, शायद यहीं से एग्रीकल्चर का जो कार्य था वो स्टार्ट हुआ था। आगे फिर कहता है, अब सबसे पहले जब मनुष्य ने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहला जो अनाज उगाया, सबसे पहला जो अन्न उगाया वो कौन सा उगाया, तो वीट एंड बार्ले। वीट मतलब गेहूं एंड बार्ले मतलब जौ। तो ये दो अन्न उगाए थे उसने सबसे पहले, जौ और गेहूं। What the first crops grown by early man, जो कि आदि मनुष्य के द्वारा उगाए गए थे। कहता he started growing those plants, उसने वो पौधे उगाने शुरू कर दिए, that gave him food in his hunter gatherer days, जो कि उसे अपने शिकारी और शिकार करके जो भोजन इकट्ठा करने वाले दिनों में जिनसे कि वह भोजन प्राप्त किया करता था, तो उसने उन पौधों को, उन विशेष पौधों को उगाना शुरू कर दिया था। ए पार्ट फ्रॉम कल्टीवेटिंग फूड ग्रेन्स, ही आल्सो बिगेन डोमेस्टिकेटिंग यूजफुल वाइल्ड एनिमल्स सच एज डॉग्स, शीप, गोट्स, पिग्स एंड बफेलो। अब देखिए क्या कहा जाता है, यहाँ कहा जाता है कि भोजन के या अनाज के एक भाग को उत्पादित करने से लेकर के उसने जो जंगली जानवर पाए जाते थे, जंगलों के अंदर पाए जाने वाले खतरनाक जानवर थे, उनको अब उसने पालने का भी काम शुरू कर दिया था। यानी कि जंगलों में जो पहले जानवर पाए जा रहे थे जिनको वह हिंसक समझता था, जिनको वह मांसाहारी जानवर समझता था, अपने जीवन के लिए खतरनाक समझता था, अब मनुष्य को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इन जानवरों को ये हम पालतू भी बना सकते हैं। तो उसने धीरे धीरे उनको पालतू बना करके अपने खुद के फायदे के लिए काम में लेना शुरू कर दिया। वो कौन से जानवर थे, तो डॉग्स, शीप, गोट्स, पिग्स एंड बफेलो। तो ये सभी वो जानवर थे जिनको कि उसने काम में लेना शुरू किया। ही ऑल्सो लर्न हाउ टू यूज मीट, मिल्क, हाइड्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल। और साथ में ही उसने ये भी शुरू कर दिया, यानी कि जो जानवर थे जिनको पालता था, तो उनसे किस प्रकार से मीट प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से उनसे दूध वगैरह प्राप्त करा जाए, किस प्रकार से उनसे अन्य उत्पाद प्राप्त किए जाए, इन सभी चीजों का भी सेवन करने का जो स्वाभाविक ज्ञान था वो मनुष्य को प्राप्त होने लग गया। तो यहाँ हमने नवपाषाण काल में देखा जो मनुष्य था उसने अपने स्वाभाविक ज्ञान को, अपने सहज ज्ञान को विकसित करके ये पता लगाया कि जो जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं, हमारे जीवन के प्रति खतरनाक थे, उन सभी जानवरों को उसने पालतू बनाया। पालतू बनाने के बाद में उनसे प्राप्त होने वाले जो उत्पाद थे, जैसे मांस हो गया, चमड़ा हो गया, हड्डियां हो गई, या फिर दूध हो गया, इस प्रकार की चीजों का उसने सेवन करना शुरू करा। और धीरे धीरे उसने खेती का भी काम शुरू करा, और खेती करने में सबसे पहले उसने गेहूं और जौ वगैरह के जो अनाज था सबसे पहले उनको उगाया। तो इस प्रकार से हमने देखा नवपाषाण काल के भीतर आदिम मनुष्य ने अपने ज्ञान को विकसित किया। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के भीतर और नवपाषाण काल से रिलेटेड जो अन्य बातें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।